कपल ट्रिपिन के किचन में आपका स्वागत है। तो अभी कई बार घूमने तो जा नहीं सकते थे, आज संडे का दिन था, सोचा कुछ पकाते हैं। फिर दिमाग में आया क्यों ना बिरयानी पका लें, और फिर मेरे को दिमाग में आया कि मैंने बिरयानी बहुत ही क्विक तरीके से बनाना सीखा है, ठीक है, बहुत ही बेसिक इन्ग्रीडियंट्स के साथ आपको बहुत मज़ा आएगा, बहुत ही जल्दी बन जाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा, और वो रेस्टोरेंट वाला स्वाद आए या ना आए पता नहीं, बट यस बिरयानी तो अच्छी बनेगी, ये मैं गारंटी ले सकता हूँ। ठीक है, तो इसके लिए आपको पता ही है क्या लगेगा, सबसे पहले दैट इज़ चिकन ऑफकोर्स, ठीक है, उसके बाद हमने ये बासमती राइस लिया हुआ है, ठीक है, फिर बस प्याज लिया है, मिर्च है, ये अदरक लहसुन का पेस्ट है, एक लेमन है, ये पुदीना है और ये धनिया। फिर हम खड़े मसाले देखते हैं क्या क्या है, ये तेजपत्ता है, ये दालचीनी है, ये लौंग है, ये हमारा क्या बोलते हैं इसको, काली मिर्च, राइट भूल जाता हूँ, काली मिर्च है, फिर ये इलायची है, ये बड़ी इलायची है और इसको चक्रफूल बोलते हैं। तो ये काफ़ी बेसिक इंग्रेडिएंट्स है जो हर घर में मिल जाते हैं, तो कुछ भी नहीं करना है, सबको बस काटना है और एक साथ रखना है और उसको हमारे दम बिरयानी में डाल देना, दम में डाल देना है, सॉरी पॉट में डाल देना है, ठीक है। तो गाइस शुरू करते हैं प्रिपरेशन, और मैंने बोला था दम में डाल देना, दम में नहीं डालना, हांडी में डालना है, इसीलिए इसको हांडी बिरयानी भी बोलते हैं, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं प्रिपरेशन। फर्स्ट हम ये जो कुछ भी पड़ा है यहाँ पे इसको चॉप कर लेंगे, ये मेरी फेवरेट नाइफ है, मैं हमेशा इससे कटिंग करता हूँ। सो फिर शुरू करते हैं, पहले सबसे पहला काम जो हम करेंगे चिकन को मैरिनेट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये मैंने चिकन मैरिनेट कर दिया है, इसमें मैंने थोड़ा सा दही डाला है और थोड़ी सी लाल मिर्च डाली है, नमक डाला है और मैंने डाला है थोड़ा सा हल्दी, ओके। अब हम इसको रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे अराउंड 1 आवर के लिए, और गाइस इसके साथ मतलब क्विक फिक्स के तौर पे, बिकॉज वी आर नॉट प्रो, ओके, जल्दी जल्दी बनाने के लिए मैं ये यूज़ करता हूँ, तो ये है कोहिनूर हैदराबादी बिरयानी मसाला, ये डालने से थोड़ा सा टेस्ट खिल के आता है, तो मैं बस यही यूज़ करता हूँ। अब मैं ये इसमें डाल दूंगा और मैं इसके साथ ही मैरिनेट करके और सब एक साथ डंप कर देता हूँ, ठीक है। तो अब ये इसमें डाल देते हैं, और उसके बाद अब हम उसको कुक करेंगे। सो मेक श्योर चावल हमारा जो हो वो 50% कुक होना चाहिए, ठीक है, मैं आपको बताऊंगा कैसे चेक करना है उस चीज़ को। और इस चावल में अब हम क्या करेंगे, हम थोड़ा सा नमक डाल देंगे, ओके, लगभग इतना नमक डाला है मैंने, ठीक है, आपके स्वाद अनुसार आप बस नमक डाल दें, ठीक है। उसके बाद मैं दालचीनी डालता हूँ, मैं 2-3 लौंग के दाने डाल देता हूँ, फिर मैं इलायची डाल देता हूँ, ठीक है, इलायची डाली है मैंने। उसके बाद मैं, आप चाहें तो ये भी डाल सकते हैं, बड़ी इलायची और कर सकते हैं, बट मैं इसको बाद में कुक करना पसंद करता हूँ बिकॉज उससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और एक तेजपत्ता डाल देते हैं, ठीक है। उसके अलावा एक अच्छी जो राइस है उससे एक अच्छा फ्रेग्रेंस आए, इसलिए हम थोड़ी सी डालेंगे घी, ठीक है। इससे क्या होता है, थोड़े से जो हमारे चावल है वो बहुत ही खिले खिले से आते हैं और उसमें एक फ्रेग्रेंस भी आता है काफ़ी अच्छा घी का। सो बस इतना है, अब ये बॉईल होगा, आंच थोड़ी सी मीडियम पे रखिए, रोर होना चाहिए अंदर से चावल, तभी जाके वो खिल के आता है। ये राइस हमारे ऑलमोस्ट 50% कुक हो चुके हैं, बासमती राइस है ये, ठीक है, बिरयानी में बासमती राइस ही डाली है, नॉर्मल राइस भी बना सकते हैं, ये देखिए ऐसे टूट जाना चाहिए राइस, ठीक है, मतलब वो कुक हो चुका है, हाफ कुक हो चुका है। तो अब इसका हमें पानी ड्रेन करना है, ड्रेन कर देना है इस चीज़ को, पूरे तरीके से ड्रेन नहीं करेंगे, बस इतना कि चावल थोड़े से गीले रहें और जो एक्स्ट्रा वाटर है वो पूरा वाटर निकल जाना चाहिए। तो देखिए कितने खिले खिले चावल बने हैं, तो
ये है हमारी हांडी जिसमें हम अभी कुक करने वाले हैं, ठीक है। तो गाइस हांडी हमारी थोड़ी सी गर्म हो गई है, हमने उसमें डाला है सरसों का तेल। सरसों का तेल मुझे काफ़ी पसंद है तो मैं थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में ही लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा घी। थोड़ा सा क्यों, ज़्यादा ही डालो, घी जाना चाहिए खाने में, ठीक है, आपकी इच्छा। आप कम तेल में बनाना चाहें तो कम तेल, ज़्यादा तेल में बनाना चाहें तो ज़्यादा तेल, कम घी चाहें तो कम घी, ज़्यादा घी चाहें तो ज़्यादा घी, ठीक है। अब इसमें हम डाल देंगे खड़े मसाले पूरे। सो ये गए हमारे पूरे खड़े मसाले एक साथ, ठीक है। अब हमें इसको थोड़ा सा पका लेना है मसालों को। सो जो मेरे दोस्त अभी हैदराबाद के बाहर हैं, जो अभी ये वीडियो देखेंगे कुछ टाइम के बाद, सो मालूम है मिस कर रहे हो हैदराबाद की बिरयानी, कोई बात नहीं, पका लेना यार घर पे। ये हम इसमें डाल रहे हैं प्याज, ठीक है। तो बहुत सारे लोग तली हुई प्याज ही इस्तेमाल करते हैं, उससे एक अलग फ्लेवर आता है, बट मैं थोड़ा सा अलग तरीके से बोला ना, कुछ फिक्स टाइप से पकाता हूँ, उसकी मेहनत कौन करेगा। ये हमने डाल दी इसमें मिर्च भी साथ में, ओके। बस समझ लो यार अब बिरयानी खत्म बनने वाली है, हो गया सारा काम। थोड़ी देर इसको पका लेंगे। ज़्यादा देर नहीं, बस थोड़ी देर पकाएंगे, थोड़ा सा बस प्याज थोड़ा सा पक जाए। साथ में हम इसमें डाल देंगे नमक, स्वाद अनुसार। तो गाइस अब प्याज पक चुके हैं थोड़े से, ज़्यादा ओवर कुक ना करें क्योंकि अभी बहुत देर तक ये हांडी में पकने वाले हैं, ठीक है। थोड़ी सी आंच कम कर दीजिए और अब इसमें चलेंगे चिकन पीसेस जो हमने मैरिनेट करके रखे हुए थे काफ़ी देर से, तो बस आपको ऐसे डाल देने हैं। और ये अभी पूरा दम पे पकेगा ये चिकन, हमने ज़रा भी नहीं पकाया इस चिकन को, ठीक है। चिकन के ऊपर हमने राइस डाल दिया है, उसके ऊपर हम फिर से चिकन डाल रहे हैं, ठीक है। सो ये हो गया हमारा, और ये जितना भी ग्रेवी बचा है आप इसको इसके ऊपर डाल दीजिए। ओके हो गया, अब इसके ऊपर हम फिर से थोड़ा सा ऑनियन और जितना भी अब जो भी कुछ बचा है आपके पास पूरा ऊपर से डंप कर दो, ठीक है। ये हमने इसके ऊपर डंप कर दिया और उसके बाद जितना भी बाकी का राइस है वो भी हम इसमें डाल देंगे। ठीक है, ये अब इसके ऊपर डाल के इसको हमें फैला देना है राइस को, ठीक है गाइस। देखने में ही कितना डिलीशियस लग रहा है अभी से। बेसिक सा काम, थोड़ा सा वाटर इसके ऊपर, थोड़ा सा वाटर डाल दीजिए, ठीक है, ताकि ये नमी बना के रखेगा दम के अंदर। तो गाइस ये हमारी बिरयानी खुलने का टाइम आ गया है, अभी दम खुलने का टाइम आ गया। तो ये है हमारी बिरयानी, देखिए चिकन कितने अच्छे तरीके से पक चुका है, देखो ये देखो कैसे टूट रहा है चिकन, ठीक है। और थोड़ा सा इसको नीचे से हम अगर मिला लें, ये हमारी है बिरयानी। और साथ में एक बेसिक सा रायता बनाया है,
तो इसमें मैंने केवल एक दही डाला है, पुदीना के पत्ते डाले हैं थोड़े से, और इसमें मैंने डाला है खीरा, काली नमक और थोड़ा सा काली मिर्च डाला है, और उसको मैंने मिक्सी में पीस लिया। सो ये भी काफ़ी अच्छा दिख रहा है, टेस्ट करने पे पता चलेगा कैसा है, बट अच्छा ही होगा। और लुक एट दिस गाइस, दिस इज द बिरयानी। Guys, this is the final outcome. ये रायता है और साथ में हम सबकी favorite बिरयानी। Okay, so let's taste it how it is.